हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स। तो दोस्तों, बिटकॉइन की तो सॉलिड बैंड बजी है यार, और सिर्फ बिटकॉइन की नहीं, पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट की बैंड बजी है। और कारण बहुत सिंपल है, यही तुम्हारे सामने। अब देखो, बाइडेन ने तो यहाँ तक डिक्लेयर कर दिया है कि बहुत ही जल्दी रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर अटैक करने वाला है। और इसी की टेंशन की वजह से तुम देखो, जो नॉर्मल मार्केट है अपना, ट्रेडिशनल मार्केट, उसकी भी सॉलिड बैंड बजी है। और वही कारण है कि हमारे बिटकॉइन की भी यही हालत है, 40K पे है बिटकॉइन। ओके, तो अगर तुम देखोगे, कल हम लोगों ने एक ट्रेड बोला था कि यार ये बिटकॉइन का प्राइस जो है वो बहुत अच्छे जोन में है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो एक ट्रेड लेंगे। ओके, तो अगर तुम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखते हो, क्योंकि यहाँ क्या हो सकता है, एक रिलीफ रैली पॉसिबली है आना, क्योंकि RSI जो है वो ओवरसोल्ड है। और एग्जैक्ट हमारे कल के बाइंग जोन पे जो है वो बिटकॉइन आया, वहां से हम लोग जो है वो अभी कितना, कुछ 2-2.5% जो है वो प्रॉफिट में है। बट अगेन यार, ये ट्रेड जो है वो काफी रिस्की रहने वाला है। ओके, सो इसीलिए मेक श्योर कि तुम्हारा स्टॉप लॉस जो है वो एकदम टाइट रहे। हमें 1-1.5% से ज्यादा जो है वो यहाँ नहीं गवाना है। और ये रिलीफ रैली जो है वो मुझे नहीं लगता ज्यादा ऊपर तक जा पाएगी, क्योंकि दिक्कत ये है कि बाकी स्टॉक मार्केट भी गिर रही है, सब डरे हुए हैं, तो लोग प्रॉफिट्स निकालने ही वाले हैं। सो मेक श्योर अपना जो प्राइस है, या जो भी तुम्हारा बाइंग जोन है या स्टॉप लॉस है, उसको वापस ब्रेक इवन जोन पे ले आओ, क्योंकि हमें अब इसमें एक पैसा भी नहीं गंवाना है। और इसे होल्ड करेंगे ये 5-6% के टारगेट तक के लिए, ज्यादा लालच नहीं, प्रॉब्लली हम लोग स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ाते जाएंगे। ओके, तो ये तो देखो बिटकॉइन की हालत है, ये अगर तुम ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव से देख रहे हो। बट अदरवाइज अगर तुम देखो तो मेरे भाई, यूक्रेन जो है उसने क्रिप्टो करेंसी लॉ पास कर दिया है, वो काफी जल्दी, अब आई थिंक इसके बाद अब क्रिप्टो करेंसी वहां लीगल हो गया है। सो ये बहुत बहुत बड़ी न्यूज है ओवरऑल क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए। लेकिन दिक्कत ये है कि यार, इनके ऊपर ऑलरेडी रशिया बैठा है, सो इसीलिए ये जो है मैसिव एक पुश नहीं दे पा रहा है बिटकॉइन के प्राइस को। लेकिन एक्चुअल में ये न्यूज जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। ओके, सो अगेन मैं वही कहूंगा यार, अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा जैसा हम लोगों को बता के डराया जा रहा है, क्योंकि किसी को भी आजकल इतनी फुर्सत नहीं है यार कि ये सब करो यार, लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा है, जैसे हम लोगों को बड़े समझदार सब सिखाते हैं। और यहाँ पे भी वैसा ही होने वाला है, सिर्फ ये है कि यार जबरदस्ती का एक फंड बनाया जाएगा और मार्केट को गिराया जाएगा। ओके, लेकिन हम लोगों के लिए ये एक परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सो बिना रुके, बिना सोचे, बिना समझे, मेक श्योर थोड़ा 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 करके बाय करते जाओ। ओके, अब ये वो टाइम है जब तुमको स्टॉक्स और क्रिप्टो भी म्यूचुअल फंड्स की तरह उठाने हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज। ओके, सो जबरदस्त। दूसरी बड़ी न्यूज अगर तुम देखते हो तो क्रैकन के सीईओ जो है, उन्होंने बोला कि भैया सब अब अपने कॉइन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में से निकाल लो। अगर तुम बिनेंस, कुकॉइन, मतलब ये सब एक्सचेंजेस यूज करते हो, तो मेरे भाई वहां सिर्फ बाय करना है तुमको। ओके, वहां अपने कॉइन्स को स्टोर नहीं करना है। उसके लिए तुम्हें या तो ऑफलाइन वॉलेट्स, जो अभी तुम ऑनलाइन, मतलब ऐसा सॉफ्ट वॉलेट्स भी ले लो, जैसे एक्सोडस हो गया, या फिर एक और था वो ट्रॉन का एक वॉलेट है, सो तुम वो सब वॉलेट यूज कर सकते हो। बट सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे मत रखो, या फिर डेक्सेस पे मूव करो, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकती। तुम देख सकते हो कि कनाडा में क्या हुआ, बैंक्स बंद कर दिए गए, अकाउंट्स बंद कर दिए गए, और एक्सचेंजेस को भी बोला जा सकता है कि भैया जिन जिन का वेरिफिकेशन है, उनके पास ऑलरेडी KYC है ही सबका, तो सिंपल सी बात है, उनको भी बोला जा सकता है कि इनके अकाउंट्स भी सीज करो। लेकिन क्रिप्टो करेंसी बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये सब चीजों को हैंडल किया जा सके। इसीलिए मेक श्योर टेक इट टू योर ऑफलाइन वॉलेट्स, या फिर टेक इट टू योर डेक्सेस, उनको सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे मत रखो। ओके, नेक्स्ट न्यूज अगर तुम देखते हो तो फेड के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो लोग क्रिप्टो ट्रेड नहीं कर पाएंगे अगेन। अब वही है यार कि अगर वो लोग क्रिप्टो के अगेंस्ट आ रहे हैं, सो इसीलिए वो दे आर ट्राइंग के यार एटलीस्ट हमारे घर में कोई ऐसा विभीषण ना हो। ओके, बट अगेन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम सबने देखा जो अब कनाडा में हुआ, तुम सबको पता है एल सेल्वेडर ने जो बिटकॉइन को बाय करके किया है। सो मेरे भाई, फ्यूचर ब्राइट है, और एट द एंड ऑफ द डे हम लोग ऊपर ही जाने वाले हैं, नीचे नहीं। ओके, नेक्स्ट बड़ी न्यूज, नेक्सो जो है वो US के कस्टमर्स को अब इंटरेस्ट नहीं देगी, ये न्यू डिपॉजिट्स के लिए है। सो ये अभी के लिए नहीं है,
यूएस में एनीवेज इंटरेस्ट का कोई फंडा नहीं है, ना ही वो सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट देते हैं, ना ही उनका कुछ एफडी वेफडी वाला फंडा है। तो ये सब अकाउंट्स भी जो यहाँ है, या फिर ये सब जो कंपनीज एक्चुअली, यहाँ नेक्सो हो गया, ब्लॉकफाई हो गया, तो उन्होंने इन सब कंपनीज को भी बोला कि भैया हमारे लोगों को इंटरेस्ट मत दो, क्योंकि अगर ये लोग उन्हें इंटरेस्ट देंगे तो लोग बैंक्स में पैसा रखने की जगह उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करेंगे और सीधा इन सब एक्सचेंजेस पे ही रखेंगे, ओके, या फिर इन सब व्हाट वी से एप्लीकेशंस पे ही रखेंगे, ओके। सो इसीलिए यार थोड़ा मार्केट में डर है, आई टोटली अंडरस्टैंड, और मुझे वही लगता है कि वीकेंड थोड़ा और बुरा हो सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस जो है वो वापस ऊपर लो, हमको एक भी पैसा यहाँ नहीं गंवाना है, ओके। अब ये तो हालत है बिटकॉइन और स्टॉक्स की, बट अगर तुम ऑल्ट कॉइन मार्केट देखते हो, ओके, तो मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स पे जो है आज का मार्केट है, 1.8% नीचे, बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर है 40%, इथीरियम का डोमिनेंस थोड़ा गिरा है, बट ऑल्ट कॉइन अगर तुम देखो तो इथीरियम 3.5% नीचे, बीएनबी 1%, एक्चुअली ये 24 आवर्स है ना, बीएनबी 1% नीचे, कार्डानो 300, सोलाना 4, एवलांच 5। सो अगेन मार्केट में काफी बुरी हालत है, और मैं वही कहूंगा कि यार ये एक अच्छा टाइम है अच्छे ऑल्ट कॉइन्स पिक करने का, ओके। नियो 11% ऊपर है, जो बहुत ही जबरदस्त बात है। फ्रैक्स शेयर मुझे नहीं पता ये कौन सा है, क्लेटन 2.5%, एक्सआरपी 2.6%। सो अगेन ऑल्टकॉइन्स काफी लड़ झगड़ रहे हैं, बट वही है यार, अगर बिटकॉइन नहीं टाइटैनिक डूबेगा तो छोटी किश्तियां तो ऑलमोस्ट साथ में जाने ही वाली है, ओके। इसीलिए तुम देख सकते हो रोज, एक्चुअली ये एक परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है, हम लोगों ने रोज में प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट टॉप पे लिए थे, दिस इज द बेस्ट टाइम टू री इन्वेस्ट प्रॉफिट, बेस्ट टाइम, ओके। ग्राफ अच्छा टोकन है, आवे बहुत अच्छा टोकन है, सो अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि अच्छी खासी सेल लगी है मार्केट में, सो मेक श्योर जो भी तुमको चाहिए था और तुमने बाय नहीं किया, या जो भी तुमने महंगा बाय किया था, आज अच्छा टाइम है उसको एवरेज आउट करने के लिए, ओके। और ऑल्ट कॉइन्स की जब बात चल रही है, तो इथीरियम, हम लोगों ने कल जो इथीरियम में ट्रेड लिया था उसने स्टॉप लॉस को हिट कर दिया है, सो ऑलमोस्ट 2.25% का लॉस हुआ, बट मैं यहाँ वापस एक ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि यार अब मुझे लग रहा है ये ना एक फॉलिंग वेज टाइप है, ओके। सो अगेन ये एक और छोटा रिस्क है, लेकिन इसके एग्जैक्ट नीचे जो है वो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, सो अगेन 1 या 2% का लॉस और यहां से मेरे प्रॉफिट्स जो है वो इस टॉप तक रखेंगे, तो 11% के प्रॉफिट्स, ओके। ऑलरेडी हम लोगों ने 10% के प्रॉफिट्स लिए थे, 2% का लॉस हुआ, बट इट डजेंट मैटर, यहां से एक और ट्रेड ओपन करेंगे और अगेन होल्ड करेंगे 10% के लिए, ओके। अब ये तो बात हुई इथीरियम की, अब हमारा फेवरेट टोकन कार्डानो, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने एक और नए बंदे को अब अपनी लीडरशिप में लिया है, जिनका नाम है फर्नेंडो लुइस वेस्केज काओ या चाओ। अब ये बंदे को जो है वो 20 साल का एक्सपीरियंस है, जो वो कार्डानो के लिए लेके आ रहे हैं, सो अगेन कार्डानो लगातार मेहनत कर रहा है यार एक मार्केट लीडर बनने के लिए, और डेफिनेटली एक दिन ये मार्केट लीडर बनेगा ही, ओके। इसके अलावा लूना ने जो है वो अपने एंकर, जो उनका है एंकर रिजर्व, उसमें 450 मिलियन डॉलर्स जो है वो डिपॉजिट किए हैं या इंजेक्ट किए हैं, तो ये बहुत बड़ी न्यूज है लूना के लिए भी। लूना की फिलहाल हालत क्या है यार, वो कॉइन हम लोगों ने काफी टाइम से नहीं देखा, मैंने आपको बोला था कि 50 डॉलर्स के ऊपर वो एक अच्छा बाइंग है, 100 डॉलर्स पे हम लोगों ने प्रॉफिट्स लिए थे, और अभी अगर तुम देखते हो तो वो 50 पे ही है, इनफैक्ट अगर तुम लोगों ने तब बाइंग मिस की थी तो मेरे भाई अभी एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है ये टोकन को पिक करने की, ओके। अब इस सब के बाद हम लोग चलते हैं हमारे ऑल्ट कॉइन ऑफ द डे पे, जिसका नाम है एंकर प्रोटोकॉल। एंकर अगर तुम देखते हो तो एंकर का करंट प्राइस सिर्फ और सिर्फ 7 सेंट्स है, मार्केट कैप 584 मिलियन डॉलर्स है, ओके। सर्कुलेटिंग सप्लाई उसकी जो है वो 10 बिलियन की है, और 8.16 मिलियन, मैंने 8.16 मिलियन, तो तुम देख सकते हो 82% मार्केट में ऑलरेडी है एंकर, जो बहुत जबरदस्त बात है, क्योंकि देखो यहाँ कुछ ऐसा सप्लायर्स होल्ड करके नहीं बैठे हैं, ये इनिशियल इन्वेस्टर्स होल्ड करके नहीं बैठे जो सीधा डंप कर दे, या डेवलपर्स, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये फुल डिसेंट्रलाइज है, वेब 3.0 में ये बहुत बहुत जबरदस्त है। अभी एंकर करता क्या है, पहले हम उसकी बात करते हैं।
सो एंकर आपको ना अपने नोड्स लॉन्च करने के लिए या डिप्लॉय करने के लिए बढ़िया क्लाउड पे स्पेस देता है। सो ये क्या करता है, जो भी स्पेसेस फ्री है ना या एसेट्स फ्री है, ये उन सबको यूज करता है और यूज करके एक अफोर्डेबल प्राइस आपको या अफोर्डेबल सोल्यूशन आपको देता है। ओके और ये मल्टीपल चेन्स के साथ चलता है, जो अगेन बहुत ही जबरदस्त बात है। सो ये फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन है। ओके सो बढ़िया प्रोजेक्ट, प्राइस अगर तुम देखते हो तो काफी कम। ओके फंडामेंटली भाई अगर मैं आपको बात करूं तो फंडामेंटल्स बहुत जबरदस्त है। इनकी वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाके देखोगे तो ये ओनली प्लेटफॉर्म है दैट कंबाइंस नोड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेकिंग एंड डीफाई, तीनों को, तीनों सॉल्यूशंस ये इकलौता प्रोजेक्ट तुम्हें दे देता है। ओके उसके अलावा अगर तुम इनके फंडामेंटल्स देखते हो, एक तो तुम इनके साथ अर्न ये कर सकते हो स्टेकिंग, जैसा कि हम लोगों ने बोला, और स्टेकिंग में भी हर सब कुछ है, मैटिक, ईथ, बीएनबी, एवलॉन्च, लूना, कोसामा, सब कुछ। ओके तो सब कुछ तुम स्टेक कर सकते हो, रिवॉर्ड्स ले सकते हो, 3.0 ये लोग जो है वो बिल्ड कर रहे हैं। ओके ढेर सारे प्रोजेक्ट्स के साथ ऑलरेडी इनकी पार्टनरशिप है, 500 मिलियन प्लस कॉल्स टू द ब्लॉकचेन पर डे इनके ब्लॉकचेन को यूज किया जाता है। ओके 1 बिलियन ट्रांजेक्शन पर मंथ ये लोग करते हैं, बहुत बहुत जबरदस्त। 350 मिलियन जो है वो टीवीएल इनमें ऑलरेडी लॉक्ड है। ओके इनके कस्टमर्स ग्राफ, कंपाउंड, सेलो, सो सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है। सो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। ओके स्टेकिंग की बात हम लोगों ने ऑलरेडी की, ट्विटर के ऊपर एक जाओगे तो 160K की कम्युनिटी है। और जैसा कि मैं बोलता हूँ, जो प्रोजेक्ट आपको लगातार अपडेटेड रखे, ओके 1 आवर, ओके 4 आवर्स, सो प्रोजेक्ट एक्टिव है, प्रोजेक्ट बड़े बड़े पार्टनरशिप्स कर रहा है। रिसेंटली इन्होंने IOTX के साथ भी पार्टनरशिप की थी। सो अगेन प्रोजेक्ट, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा, और अगेन फ्यूचर में कुछ कर देने की जो है वो इनकी इच्छा है। 2017 में ये प्रोजेक्ट आया था और लगातार अभी तक जो है ये लगातार डेवलपमेंट कर रहा है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और एक लीडर बनाने के लिए। ओके सो फंडामेंटली बहुत अच्छा प्रोजेक्ट। अब टेक्निकली अगर हम लोग देखें, सो टेक्निकली अगर तुम इस प्रोजेक्ट को देखते हो तो मेरे भाई ये प्रोजेक्ट ने बहुत अच्छे खासे हाइज बनाए थे। तुम देखो नवम्बर में ऑलमोस्ट 20 सेंट्स के, उसके पहले अप्रैल में भी हम लोगों ने देखा था वो सेम प्राइस को इसने टच किया, वहां से ये रिजेक्ट हुआ। अब रिजेक्ट होके वापस ये कहाँ है, सपोर्ट के ऊपर। ओके सो तुम्हारे लिए परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, ये 0.062 पे इसे बाय करना और होल्ड करना वापस, क्योंकि इस बार तीसरी बार जब ये अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा ना, ये उसे डेफिनेटली ब्रेक करेगा, और जब ब्रेक करेगा तो मेरे भाई ये सीधा जाएगा हमारे टारगेट की तरफ, जो पहला टारगेट है 32 सेंट्स का और दूसरा टारगेट है 50 सेंट्स का। ओके अच्छा प्रोजेक्ट है, मोमेंटम मिलता है तो 50 नहीं ये $1 तक भी जा सकता है, बट टेक्निकली तुम्हें प्रॉफिट जो है वो 50 सेंट्स पे ले लेने हैं, जो ऑलमोस्ट 700% के गेन है। ओके सो अगेन फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सो अपनी रिसर्च जरूर करना, बट ओवरऑल मार्केट काफी बुरा है, सो वेट करो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 62 सेंट्स पे बाय करो और थोड़ा थोड़ा करके करो। अगेन तुम चाहे स्टॉक्स बाय कर रहे हो, चाहे बिटकॉइन बाय कर रहे हो, चाहे ऑल्टकॉइन्स बाय कर रहे हो, तुम्हारे ऑर्डर्स हमेशा 3 हिस्सों में बढ़ जाना चाहिए। पहला ऑर्डर अगर तुम्हें देना है तो 25% ही कैपिटल यूज करो, दूसरे ऑर्डर में बाकी 25% कैपिटल यूज करो, और तीसरे में 50। और ये ऑर्डर्स कैसे होंगे कि चलो इसमें 2% 3% और गिरा है बाय करो, और 5% गिरा है और बाय करो, और 5% गिरा है और बाय करो, इससे ज्यादा वो नहीं गिरेगा। ओके सो अगेन थोड़ा पेशेंस, थोड़ा और मतलब हम लोगों को अभी संभल के चलना है। फुल अपने जो कैपिटल है वो अलग रखो, सिर्फ ट्रेडिंग हम लोग ऐसे करेंगे ताकि और कैपिटल जोड़ सके, फुल फ्लेजेडली घुसने की जरूरत नहीं है। ओके तो चलिए यार, वीकेंड है, थोड़ा और संभल के थोड़ा जाओ बाहर एंजॉय करो, प्राइस देख के ज्यादा टेंशन मत लेना। ओके तो चलिए आपसे कल मुलाकात होगी दोस्तों, थैंक यू सो मच।